नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। कहा जाता है उम्र देखकर कुछ नहीं होता है। आजकल के बच्चे बड़ों से आगे निकल लेते हैं और कुछ ऐसा कर आपको हैरान कर देंगे कि आप देखते रह जाएंगे। कुछ ऐसा ही मामला आज हम आपको दिखाएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में, जहां छोटे उम्र के बच्चे ने अपने कामों से सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। हाल ही में ये वायरल मीम आप सबने देखा होगा, जिसमें एक शख्स पैराग्लाइडिंग करते वक्त जोर जोर से डर से चिल्लाता दिखाई दिया। दरअसल पैराग्लाइडिंग ऐसा एडवेंचरस स्पोर्ट है जिसे सुनकर ही अच्छे अच्छों के होश फाकता हो जाते हैं, बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है और ऐसी हालत होना लाजमी भी है, क्योंकि इस एडवेंचरस स्पोर्ट में शख्स हजारों फीट की ऊंचाई में पैराशूट की मदद से उड़ रहा होता है, जहां एक गलत कदम आपको मौत के करीब पहुंचा सकता है। वहीं आज हम आपको ऐसे एक निडर बच्ची से मिलवाने जा रही हैं, जिसने अपने डर को काबू में कर सबको हैरत में डाल दिया। वैसे तो पैराग्लाइडिंग के जरिए हर कोई आसमान में उड़ान भरना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग ऊंचाई से डरकर अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। वहीं पंचकुला की रहने वाली 6 साल की मिस्का जैन देश की सबसे कम उम्र की पैराग्लाइडर बन गई है। उनका नाम इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। इसके अलावा उसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उसने हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बता दें कि मिस्का के पिता पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उनकी माता डॉक्टर हैं। मिस्का के बारे में बात करते हुए उनके पिता अभिषेक ने बताया कि मिस्का काफी साहसी बच्ची है। जब मिस्का ने लोगों को पैराग्लाइडिंग करते हुए देखा तो उसने भी चिड़िया की तरह आसमान में उड़ने का सपना देख लिया, जिसे फिर उसने पैराग्लाइडिंग करके पूरा किया। मिस्का की मां डॉक्टर राधा जैन ने बताया कि उन्हें रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं था, वो तो हिमाचल घूमने गए थे। वहां पर कुछ पैराग्लाइडर हवा में उड़ रहे थे, उन्हें देखकर मिस्का ने भी पैराग्लाइडिंग करने के लिए कहा। उन्हें पहले लगा कि मिस्का ऊंचाई देखकर खुद ही बाद में मना कर देगी, लेकिन जब वो पैराग्लाइडिंग करने गए तो मिस्का पीछे नहीं हटी। इतना ही नहीं, जितनी देर मिस्का आकाश में रही वह एक बार भी नहीं डरी। मिस्का के पिता अभिषेक जैन ने बताया कि जब हम घर आए तो उसके एक दोस्त ने कहा, हमें ये चेक करना चाहिए कि अभी तक सबसे कम उम्र में किस बच्चे ने पैराग्लाइडिंग की है। फिर जब हमने चेक किया तो पता चला कि मिस्का सबसे कम उम्र की बच्ची है। इससे पहले जिस बच्चे ने पैराग्लाइडिंग की थी उसकी उम्र 7 वर्ष थी। अभिषेक जैन के मुताबिक उन्होंने मिस्का का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेजा है। सारी फॉर्मेलिटी के बाद मिस्का का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया। मिस्का का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है, लेकिन उनकी तरफ से आधिकारिक प्रमाण पत्र फिलहाल नहीं दिया गया है, क्योंकि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से कहा गया है कि वो पैराग्लाइडिंग जैसे खतरनाक खेलों को बच्चों के लिए प्रमोट नहीं करना चाहते। हालांकि मिस्का को जल्द ही उसका प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा। इसके अलावा मिस्का का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए भी भेजा जा चुका है। हो सकता है कि मिस्का एशिया में भी सबसे कम उम्र की पैराग्लाइडर बन जाए। इस मौके पर मिस्का ने बताया कि उन्हें पैराग्लाइडिंग करके बहुत अच्छा लगा और वो दोबारा भी इसे करना चाहेंगी। हालांकि भविष्य में वो एक बाइक रेसर बनना चाहती हैं। तो वाकई इस छोटी सी बच्ची मिस्का ने छोटी सी ही उम्र में अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया है, पैराग्लाइडिंग कर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया है। मिस्का के अनोखे कारनामे के बाद अब हम एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने अपने नाम में एक ऐसा अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कराया है जिसे देखने के बाद आप भी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। कौन है यह अनोखा बच्चा और क्या है इसकी कहानी, आइए दिखाते हैं।
ये रंगीन सा दिखने वाला रूबिक क्यूब जितना आसान दिखता है, इसे सॉल्व करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अक्सर देखने को मिलता है कि रूबिक क्यूब को लेकर नए नए रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। कोई चंद सेकंड में रूबिक क्यूब सॉल्व करके रिकॉर्ड कायम करता है, तो कोई क्यूब की मदद से तस्वीर बनाकर लोगों को हैरत में डाल देता है। और आज हम जिस रिकॉर्ड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसमें कठिनाइयों के साथ साथ रिकॉर्ड कायम करने वाले शख्स की उम्र सुनकर ही आप अचंभित हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी कहानी। हैदराबाद के 10 साल के बच्चे ने पिरामिड को अलग अलग तरीकों से हल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दस साल के एसपी शंकर ने पानी के अंदर 3 मिनट तक 7 पिरामिड रूबिक क्यूब सॉल्व कर अंतरराष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। युवा रिकॉर्ड धारक एसपी शंकर के पास रूबिक क्यूब को सॉल्व करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी है। अपनी प्रतिभा के दम पर शंकर ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। उन्होंने 6 साल की उम्र में क्यूब्स को हल करना शुरू कर दिया था। उनके 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उल्टा लटके हुए हल किए गए पिरामिडों की सबसे अधिक संख्या के लिए थे और दूसरा स्केटिंग के दौरान हल किए गए पिरामिडों की सबसे अधिक संख्या के लिए। वहीं शंकर की मां ने बताया कि दिन हो या रात, शंकर के हाथ में हमेशा क्यूब रहता है। लेकिन जब उन्होंने क्यूब को सॉल्व करना शुरू किया तो वह केवल एक साइड को ही हल कर सके। आखिरकार वह सभी साइड्स को हल करने में सक्षम हो गए और स्पीड क्यूबिक शुरू कर दी। अब वह एक मेगा मिक्स यानी 12 चेहरों वाले एक प्रकार का रूबिक क्यूब को भी हल करने में सक्षम हो चुके हैं। तो ये है हमारे भारत के नई पीढ़ी के बच्चे, जिनके बुलंद हौसले और जोश ने आज भारत का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है और सीख भी दी है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। अगर आप सच्चे मन से और पक्के विश्वास के साथ किसी काम में लग जाएं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।